सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अभिशोना व्लॉग्स। एंड आज हम आए अपने व्लॉग में कुछ नया लेकर और कुछ बहुत ही हटके लेकर। सो स्टे ट्यून्ड। सो इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं आपके नाम के अल्फाबेट्स की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो अभिषेक रियली वांटेड मी टू डू दिस वीडियो एंड मुझे स्टार्टिंग से बचपन से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, चाहे वो आपके जोडियक साइंस हो या फिर बर्थ डेट हो या फिर और कुछ हो। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो ऑन दिस। सो आज हम करेंगे कुछ अल्फाबेट्स के बारे में उनके डीप सीक्रेट्स रिवील। If you get connected to what I speak, so please comment down below कि yes, मैंने जो बोला है आपके नाम के अल्फ़ाबेट के लिए वो बिल्कुल सही है। So let's start. So पहला थोड़ा एटमॉस्फेयर बना देते हैं कि लगे थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी वाली फील आए आपको। So start करते हैं वीडियो। So music. Now, starting with the first alphabet जो कि मेरे नाम का है and that is S. एस अल्फ़ाबेट्स वाले लोगों की बात करें तो एस अल्फ़ाबेट वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं एंड इसी रीज़न की वजह से बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशियस इन द सेंस लाइक इफ़ दे गो फॉर देयर करियर चॉइस या फिर पढ़ाई के बारे में बात करें, थोड़ा सा उनका एम्बिशन लेवल हाई होता है बाकियों के कंपेरिजन में। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होते हैं एंड हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। तो ये वाला जो उनका एक पर्सनालिटी है वो बिल्कुल उनको अलग बनाता है बाकियों से। थर्ड ट्रेट की बात करें तो बहुत ही सिंपैथेटिक होते हैं नेचर से, मतलब दूसरों का हमेशा भलाई करने की सोचते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने सामने वाले को हमेशा खुश रखें, उनको हेल्प करें जब भी उनको कोई ज़रूरत हो। दे आर वेरी लॉयल इन रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ही लॉयल होते हैं तो धोखा खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो करता ये आगे जाकर, क्योंकि वो जिस तरीके से खुद है वो सामने वाले को ही शायद वैसा ही समझ बैठते हैं। नेक्स्ट है कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एस नाम के लोगों के साथ कि जिस तरीके से वो फील करते हैं वो एग्जैक्टली उसको आपके सामने नहीं रख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले के साथ एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं सामने वाला वैसा नहीं समझ पाता। So the next alphabet is A. Now A is the first letter of the English alphabet. So जैसे कि पहला नाम है, so leadership quality इन पर भरपूर होती है। कभी भी देखोगे तो A नाम के लोग हमेशा ही ready होंगे to become a leader. So second trait की बात करें, so they are very adventurous. इनको adventure पसंद है हर एक चीज़ में, बहुत ज़्यादा bold होते हैं, कोई भी काम करने से डरेंगे नहीं, courageous होते हैं बहुत ज़्यादा। So हमेशा जहाँ पर भी जाएंगे तो बिल्कुल मज़े से जाएंगे और full on enjoy करके आएंगे वहाँ से। डाउनसाइड की बात करें तो खुद इतने चार्ज्ड अप रहते हैं और इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि सामने वाले की जो फीलिंग्स है, सामने वाले के जो इमोशंस है, उसको कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उनको फील करवाता है कि शायद वो यूजलेस है। सो ये थोड़ा सा है कि अपने अपने में रहते हैं हमेशा तो दुनिया को भूल जाते हैं वो एक्चुअल में। नेक्स्ट लेटर इज़ एम। सो एम अल्फ़ाबेट वाले की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इन लोगों को। सो दे आर एक्सट्रीमली एग्रेसिव। ओके, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, सो दे टेक देयर टाइम टू जज समवन। और कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन है उसे जज करने से पहले थोड़ा सा टाइम लेंगे कि ये भाई सही है या नहीं है या दिस इज़ करेक्ट और नॉट। सो इनके साथ ये है। नाउ दे डोंट फॉल इन लव वेरी ईजी भी, सो इतने आसानी से प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। थोड़ा सा रहता है उनका हमेशा से कि प्यार के चक्कर में पढ़ने से पहले भी थोड़ा सोचेंगे कि पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, सो थोड़ा सा टाइम लगता है उन लोगों को कि अगर उनके पास कोई अप्रोच करता है उसमें सोचने के लिए भी टाइम लगता है, आंसर करने के लिए, और साथ में अगर खुद के अंदर फीलिंग्स है तो वो बताने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सो दे आर क्वाइट स्लो व्हेन इट कम्स टू लव, बट व्हेन इट कम्स टू लव तो चाहे उनके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या पार्टनर या कोई भी हो, तो दे विल डू एनीथिंग फॉर देयर लव्ड वंस। वो हमेशा एक स्टैंड लेकर रहते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेटर इज़ लेटर के। अगर के लेटर की बात करें सो अगेन दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा अपने करियर फोकस्ड होते हैं और हार्डवर्क से जो भी चाहिए वो उनको मिल ही जाता है। दी सेकेंड ट्रेट ऑफ के अल्फ़ाबेट वाले लोग है कि दे आर वेरी एग्रेसिव, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। विच मोमेंट विल मेक देम एग्रेसिव यू नेवर नो। सो ये एक प्रॉब्लम है। नाउ टॉकिंग टू द नेक्स्ट साइड, बहुत ही मुश्किल से लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, बट वंस दे ट्रस्ट इट विल बी लाइक आप जो हैं दे विल शेयर एवरी थिंग विथ यू। सो वंस दे ट्रस्ट सो दे विल शेयर एवरी थिंग विदाउट गेटिंग शाय। सो उनके साथ ये है। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा होगा कि आपको उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन वंस यू गेन देयर ट्रस्ट दे आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होते हैं। सो उनको कुछ भी डिसाइड करना है तो वो फिर बिना कुछ सोचे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले होते हैं।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप जो मैंने लेटर्स के बारे में बताया हो वो कहीं ना कहीं आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो. सो डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू.